तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग F15 5G स्मार्टफोन का, जिसको लेकर के काफी सारे लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट पे भी रिव्यू पढ़ोगे तो काफी सारे कस्टमर का कहना है कि ये फोन बहुत ज्यादा हीट कर रहा है और गेम थोड़ा बहुत खेलते हो फिर भी ये फोन लैग भी कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या इस फोन को आपको लेना चाहिए या किसी और इस प्राइस रेंज में कंसीडर करना चाहिए। बात कितना हद तक सही है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस फोन को पिछले 1 महीने से प्राइमरी फोन के तौर पर यूज कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करें इस फोन के बिल्ड एंड डिजाइन की, तो फोन ये बॉक्सी डिजाइन टाइप का देखने के लिए मिल जाता है। ये सैमसंग के पुराने फोन की तरह ही देखने के लिए मिलता है। इस फोन की मुझे इन हैंड फील काफी अच्छी लगी। फोन थोड़ा भारी फील होता है 6000 mAh बैटरी होने की वजह से। इस फोन की बैग की बात करूं तो इसमें आपको प्लास्टिक बैग देखने के लिए मिल जाता है, वहीं पे आपको फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी स्मूथ एंड एक्यूरेट काम करता है। हमारे पास सस्ता सा पिन है, जो इसका ओरिजिनल पिन था वो हमारे से खो गया क्योंकि 1 महीना से यूज कर रहा हूं ना। तो दोस्तों इसको ओपन करने के बाद यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है डुअल सिम आप यूज कर सकते हो। एसडी कार्ड अगर आप चाहो तो एक सिम और एक एसडी कार्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट 2 सिम आप यूज कर सकते हो। इस फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो 6.5 इंचेस का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको सैमसंग वालों ने एलसीडी डिस्प्ले नहीं दिया है, जिसके वजह से वीडियो क्वालिटी काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको कुछ वीडियो प्ले करके दिखाता हूं कि कैसा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। दोस्तों देख सकते हैं कि डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा है और डीप ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, इसके वजह से स्क्रोलिंग वगैरह स्मूथ हो जाता है। फोन में बेजल्स काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, सैमसंग को कम बेजल्स देना चाहिए था, और इसमें आपको वही पुराना नॉच डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है जो कि मेरे को काफी सटिस्फाई नहीं लगा। वही इस फोन का परफॉर्मेंस काफी मुझे डिसेंट लगा। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है जो कि मुझे काफी कम लगा। सैमसंग के बारे में आपको पता ही होगा कि प्रोसेसर के बारे में कितना ज्यादा कंजूसी करता है, बाकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है, बिल्कुल मेरे को ठीक ठाक लगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इस फोन की गेमिंग की, तो BGMI स्मूथ पर अल्ट्रा और एचडी पर हाई गेमिंग करा देता है। अगर इस फोन की परफॉर्मेंस की एक्चुअल बात बताऊं तो मैं पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूं इस फोन को, और मैं रोज के 1.5 घंटा तो इस पे गेम खेल ही लेता हूं। जब मैं गेम खेलता हूं तो उस समय लाइक 2-3 एप्लीकेशन मैं साइड में रहता है तो उस समय लाइक करता है, और 1 से ज्यादा घंटा अगर आप यूज करते हो गेमिंग करते होगे तो आपका फोन बहुत ज्यादा हीट कर लेता है। लेकिन अगर आप 30-40 मिनट तक यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी गेम करोगे तो आपका फोन हीट होता ही है। दोस्तों अगर आप बैकग्राउंड में 10-15 एप्लीकेशन ओपन करते हो और रील्स वगैरह देखते हो तो रील्स अटकने भी लगती है। ये फोन टोटल 2 वेरिएंट में आता है, 4GB 128GB और 6GB 128GB। हमारे पास 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। आप सोच सकते हो कि 6GB 128GB वाला वेरिएंट फोन को यूज कर रहा हूँ तो इतना ज्यादा हीट और लैग कर रहा है। अगर आप समझो कि जिसके पास 4GB वाला वेरिएंट होगा तो उसका कितना फोन हैंग और हीट कर रहा होगा। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। दोस्तों आपने काफी सारे यूट्यूबर का वीडियो देखे होंगे, लेकिन सैमसंग को काफी ज्यादा तारीफ किए होंगे कि लाइक 2.5 से 3 दिन तक बैटरी देता है, लेकिन सच यही है कि 1.5 से 2 दिन तक ही चलता है, क्योंकि मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये फोन लैग और हीट इतना करने लगता है जिस हिसाब से आपका बैटरी बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। बाकी इस फोन के चार्जर की बात करूं तो 25W का चार्जर सपोर्ट करता है, और बॉक्स में आपको बिल्कुल चार्जर देखने के लिए नहीं मिलता है, केवल आपको फोन थमा देते हैं और बाकी तो आपको अलग से पैसे लगाने ही है। और अगर आप 25W के चार्जर से फोन को चार्ज करते हो तो 1.5 से 2 घंटा आराम से ले लेता है, और इसका चार्जर लगभग 1000 रुपया का मिल जाता है। ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 और One UI 6.1 के साथ आता है, और मुझे इस फोन का अच्छा बात ये लगा कि 4 साल का अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन का सॉफ्टवेयर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन इसमें सैमसंग ने काफी सारे बेकार के एप्स दे रखे हैं, जिसके वजह से काफी सारे भर भर के ऐड आते हैं जो कि कभी कभी ज्यादा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। बात करें इस फोन की बैक कैमरा की, तो 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का यूजलेस कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन के बैक कैमरा काफी अच्छा लगा, हमने काफी सारे इस फोन के बैक कैमरे से फोटो क्लिक किए जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 13MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, इससे भी कुछ फोटो क्लिक किया है हमने जो कि आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉर्मल मोड में और पोर्ट्रेट मोड में भी। और
इस फोन के कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आप इस फोन को कैमरा के लिए और नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हो और अगर आपको चाहिए कि ज्यादा देर तक बैटरी चले, इसमें आपको 6000 एमएच का बैटरी मिल जाता है तो आप आराम से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें गेमिंग करना है या हेवी यूज करना है तो आप इस फोन को कंसीडर करना ही मत, क्योंकि काफी सारे मार्केट में इस बजट में फोन आ चुके हैं जो कि आप चैनल के अंदर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अगर आप आरा पटना से बिलोंग करते हो, अगर आपको कम बजट पे फोन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा या साइट में देख सकते हो, यहाँ पे विजिट करके या कॉल करके बात करके आराम से फोन को बाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में करें कि आपको कौन सा फोन पे अगला वीडियो चाहिए।